प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ के संस्थापक प्रबंधक हैं। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के पद चिन्हों पर चलने वाले डॉक्टर गांधी ने 1956 में सिर्फ 5 बच्चों के साथ इस स्कूल की शुरुआत की। उनकी लगन और मेहनत का नतीजा ही कहिए और 50,000 से भी ज्यादा छात्रों वाला ये स्कूल विश्व का सबसे बड़ा स्कूल है। 1999 से इस स्कूल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। डॉक्टर जगदीश गांधी का जन्म 10 नवंबर 1936 को अलीगढ़ जिले के बारसोली गांव में हुआ। वो लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम है और विश्व के अनेक देशों ने उन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट प्रदान की है। लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान वो सोशल एक्टिविटीज में भी शामिल रहे। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कई आंदोलन चलाए। इस दौरान वो स्टूडेंट यूनियन के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष चुने गए। शादी के बाद पत्नी के साथ मिलकर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल खोला। विश्व शांति के लिए उनकी कोशिशों को अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों ने सराहा और सम्मानित किया। डॉक्टर गांधी सामाजिक गतिविधियों में लगातार शामिल रहे। 1959 से 1964 के दौरान वो उत्तर प्रदेश नौजवान संघ के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा 1960 से 1965 के दौरान वो उठो जवानों के संपादक भी रहे। 1961 से 1973 के बीच वो ऑल इंडिया चिल्ड्रन एंड यूथ फेस्टिवल के संस्थापक और महासचिव रहे। साथ ही 1962 से 1965 के बीच वो सहायक जिला स्काउट आयुक्त भी रहे। दुनिया भर के बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए परिवर्तनीय अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए अभियान चलाने के लिए उन्हें 21 अगस्त 2012 को विधि के क्षेत्र में मानद उपाधि भी दी गई। मार्च 2014 में उन्हें यूपी सरकार ने यश भारती सम्मान से भी नवाजा। शांति आधारित शिक्षा के लिए उन्हें साल 2011 में प्रतिष्ठित कूसी शांति पुरस्कार और साल 2002 में यूनेस्को की ओर से सम्मानित किया गया। अज्ञानतावश हिंदू ये समझते हैं कि गीता उनकी किताब है, इस अज्ञान को मिटाने की जरूरत है। गीता तो भगवत वाणी है, भगवान की वाणी है। अब भगवान तो सारी सृष्टि का एक होता है, अनेक भगवान नहीं है, भगवान एक ही है, उसी की वाणी है। तो उसकी जो वाणी है वो पूरे लोक के कल्याण के लिए है। गीता मानव कल्याण के लिए है। इसी तरह त्रिपिटक, अब गीता का जो ज्ञान है, गीता में हजारों शिक्षाएं, मुख्य शिक्षा एक है कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म। फॉर द सेक ऑफ जस्टिस इवन यू हैव टू पनिश योर ब्रदर पनिशिंग। तो न्याय के वास्ते हम किसी परिवार जन को भी दंडित करना हो तो हमें दंडित करना चाहिए। परिवार जन को भी तो ये न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म, ये 5,000 वर्ष पूर्व मुख्य शिक्षा गीता में आई। 2,500 वर्ष पूर्व बुद्ध की आत्मा में एक सम्यक ज्ञान आया। भगवान ने कहा कि भाई हमने तो पहला ही उपदेश दिया था एडम और ईव को, भाई प्यार से रहना, मिलके रहना, एकता में रहना। ये हमारे एक मनु महाराज हुए, संत और महात्मा और ऋषि मुनि सही भी संदेश दे सकते हैं, गलत भी दे सकते हैं। अब तुलसीदास जी ने 500 वर्ष पूर्व रामायण लिखी, रामचंद्र जी तो 7,500 वर्ष पूर्व जन्म हुआ था। तो 7,000 वर्षों तक राम की गाथाएं लोग चर्चा करते रहे। और जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो जहां भी जाएं राम की चर्चा सुन, राम के भजन, राम के कीर्तन, राम की जय जयकार, राम की शिक्षाएं, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने लोगों से लिपिबद्ध करना शुरू किया, लिखना। गांव-गांव जाते, नगर नगर जाते, लोगों से मिलते और राम के बारे में पूछते कि राम की कोई कहानी हो तो बताइए, राम का कोई प्रसंग हो तो बताइए। वो सब इकट्ठे किए और फिर उन्होंने दोहे और छंद लिख दिए, रामायण तैयार हो गई। तो संत की वाणी है, तुलसीदास जी संत है, ये दिव्य वाणी नहीं है। इसमें गलती भी हो सकती है जो संत की वाणी है। अब इसमें एक
छपाई है कि ढोल कमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल कमार माने जो अशिक्षित हो, तो सारे अवतार ही अशिक्षित थे। शूद्र तो भगवान ने कहा शुद्ध तो किसी को बनाया ही नहीं, शूद्र अशूद्र सबको बराबर बनाया, ये कहां से आ गया शूद्र। ढोल कमार शूद्र और पशु, पशु तो बड़े काम की चीज है, गाय में दूध देती है, भैंस में दूध देती है, बकरी दूध देती है, गाय का बछड़ा हमारे खेत जोतता है, हमें अनाज पैदा मिलता है। तो ये इनको प्रताड़ित करेंगे तो फिर ये सब कैसे प्राप्त होगा, दूध ही नहीं मिलेगा किसी को, अनाज भी पैदा नहीं हो पाएगा। तो ढोल गमार शूद्र पशु और नारी, नारी न होती तो ये सब अवतार कहां से आते, नारी न होती हम यहां जितने लोग बैठे हैं ये कहां जन्म होता, तो क्या नारी प्रताड़ना के योग्य है, तो ये गलत है, ये गीता के अनुकूल नहीं है, कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब के अनुकूल नहीं है। तो ये किताबें अनहेरिंग है, तो इसीलिए कहा कि जो रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड हैं वो अनहेरिंग है, इनमें कोई त्रुटि नहीं है, और जो अनरिवील्ड है जो संत और महात्मा की वाणी है वो अच्छी भी हो सकती है बुरी भी। अब रामायण की सारी चौपाइयां अच्छी हैं, वो गीता कुरान और बाइबल के अनुकूल है, एक चौपाई इसमें गलत हो। तो हमें और वाणियों को भी देखना चाहिए, लेकिन उसको तोल लेना चाहिए जो रिवील्ड बुक है उसके आधार पर कि उसके अनुसार वो सही है कि नहीं, यदि उसके अनुसार है तो ठीक है और उसके अनुसार नहीं है तो गलत है। क्योंकि ये जो रिवील्ड है ये अनहेरिंग है, इनमें कोई त्रुटि नहीं है, वो पैमाना है, वो स्केल है, उससे नापना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये ढोल कमार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये सब ताड़ना या प्रताड़ित करना चाहिए। तो ये जो इस तरह की चौपाई है, इस तरह की संत और महात्माओं से गलती हो सकती है। अवतार तो अपनी कोई वाणी लिखते ही नहीं, अवतार का तो ज्ञान ही नहीं है, ये तो दिव्य ज्ञान परमात्मा से आया, अवतारों को प्राप्त होता है। मोहम्मद साहब ने होली कुरान शरीफ नहीं लिखी, 23 वर्षों में ये कुरान शरीफ नाजिल हुई उनके ऊपर। खुदा का फरिश्ता आता, अब खुदा की तालीमात देता, तो मोहम्मद साहब तो बेपढ़े लिखे थे, वहां कुछ लोग उनके पास थे, उनसे कहते थे कि भाई ये खुदा का पैगाम आया लिख लो, तो भेड़ की सूखी खालों पर लिख लेते थे या ताड़ की पत्तियां उन पर लिख लेते थे। और जब 23 वर्षों में पूरा संदेश आ गया तो इनको इकट्ठा किया गया और कुरान शरीफ बन गई। तो कुरान शरीफ कोई किसी अवतार की वाणी नहीं है, त्रिपिटक बुद्ध की वाणी नहीं, ये भगवान की वाणी। बाइबल यीशु मसीह की वाणी नहीं है, ये भगवान की वाणी यीशु के माध्यम से आई। गुरु नानक देव जी की वाणी नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब, ये भगवान की वाणी है, उनकी आत्मा में ये दिव्य ज्ञान आया। तो ये जो दिव्य ज्ञान परमात्मा से आता है ये कलेक्टेड विजडम है, और जब जब ये दिव्य ज्ञान आता है तब तक की पूरी बुद्धिमत्ता उसमें समाहित होती है। 5000 वर्ष पूर्व जब गीता आई तो 5000 वर्ष पूर्व तक की पूरी बुद्धिमत्ता थी, जब से सृष्टि बनी तब से लेके 5000 तक। और जब त्रिपिटक आई 2500 वर्ष पूर्व, तो जब से सृष्टि बनी परमात्मा ने बनाई तब से लेके 2500 वर्ष पूर्व तक की पूरी बुद्धिमत्ता इस त्रिपिटक में आ गई बुद्ध के माध्यम से। और 2000 वर्ष पूर्व बाइबल आई, तो बाइबल में पूरी बुद्धिमत्ता है, कलेक्टेड विजडम 2000 वर्ष पूर्व तक की, यानी जब से सृष्टि बनी तब से लेके 2000 वर्ष पूर्व तक की पूरी बुद्धिमत्ता। और कुरान शरीफ आई, तो जब से ये सृष्टि बनी तब से लेके
1400 वर्ष तक की पूरी बुद्धिमत्ता उसमें समाहित है। और 550 वर्ष पूर्व गुरु ग्रंथ साहब आया, तो जब से सृष्टि बनी तब से लेके 550 वर्ष पूर्व तक की पूरी बुद्धिमत्ता उसमें समाहित है। और 200 वर्ष पूर्व किताब एक दस आई बाहुल्ला की आत्मा में, तो तब तक की पूरी बुद्धिमत्ता उस किताब में शामिल है। जितनी भी बुद्धिमत्ता है, तो प्यारे बच्चों ये कलेक्टिव विजडम है। तो मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त कर देता हूं। ईश्वर एक है, धर्म एक है, मानवता एक है, सभी अवतारों को भेजने वाला ईश्वर एक है। ये दिव्य किताबें जो आई हैं इनमें त्रुटि रहित हैं, और ये संग्रहित बुद्धिमत्ता है, कलेक्टेड विजडम है, सारे प्राणी मात्र के लिए सब किताबें। इसमें से कोई हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई के लिए कोई ज्ञान नहीं आता। ये ज्ञान दिव्य ज्ञान है, ये सबके लिए है। कुरान सबके लिए है, बाइबल सबके लिए है, गुरु ग्रंथ साहब की शिक्षाएं सारी मानव जाति के लिए हैं। ये सारी शिक्षाएं सारी मानव जाति के लिए हैं। तो इनको ये सोचना कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की किताबें हैं, ये अज्ञान है, इसको मिटाना है। क्योंकि स्कूल इज द लाइट ऑफ द सोसाइटी टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एजुकेशन, स्पिरिचुअल डायरेक्शन, गाइडेंस एंड लीडरशिप टू स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स एंड द सोसाइटी इन जनरल। तो सारे समाज को प्रकाश देने का काम स्कूल का है, और यही प्रकाश हमें देना है। प्यारे बच्चों ये तार है मेरे पास, तार को पावर हाउस से जोड़ दें या न जोड़े। तार वैसे आप प्लास्टिक को उतार दें, मेटल बाहर आएगा, तब भी आप फोटो नहीं ले सकते कि तार के अंदर ऊर्जा है कि नहीं। इसका कैसे पता लगेगा ऊर्जा है? इसका पता तब लगेगा जबकि आप इसको पावर हाउस से जोड़ देंगे। देखिए ये बल्ब जल गया तो इससे लगता है कि इसमें पावर से जुड़ गया, पावर हाउस से। पंखा चल गया इससे लगता है कि पावर हाउस से जुड़ गया। ये बड़ा बल्ब जला दिया हमने, इससे लगता है कि पावर हाउस से जुड़ा है। प्यारे बच्चों आप आदमी का फोटो ले सकते हैं, उसकी खाल को उतार दें तो हड्डी और मांस का भी फोटो ले सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा से जुड़ा है कि नहीं इसका कोई फोटो आप नहीं ले सकते। इसका कैसे पता लगेगा? उसके कार्यों से। यदि उसके कार्य ईश्वरीय होंगे तो हम कहेंगे कि वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, और यदि कार्य बुरे बुरे करेगा तो हम कहेंगे ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है। तो प्यारे बच्चों बचपन से ही हमें ईश्वरीय गुणों को अपनाना है और अपने जीवन में, ताकि हम बड़े होकर समाज के लिए उपयोगी बने। और बाल्यावस्था ही ऐसी अवस्था होती है जिसमें कि हम अपना विकास कर सकते हैं। हर बच्चे को यही सोचना है कि मैं अपने अंदर ईश्वरीय गुणों को कैसे लाऊं, जो गीता में, त्रिपिटक में, बाइबल में, कुरान में, गुरु ग्रंथ साहब में, किताब एक दस में जो गुण दिए गए हैं, इन सब गुण मेरे अंदर आएँ, मैं एक अच्छा इंसान बनूँ और अच्छे अच्छे गुणों मेरे अंदर, और मैं अच्छा इंसान बन के समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनूं। और ईश्वर की इच्छाओं को, आज्ञाओं को जानना, उन पर चलना, इसी के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। See it fly.
एंड सीड्स ऑफ महात्मा गांधीज विजन पीपल बिल्डिंग पीस आर बीइंग नर्चर्ड इन इंडिया इन अ स्कूल कॉल्ड सिटी मोंटेसोरी स्कूल पॉपुलरली नोन एज CMS. Established in 1959 with 5 pupils and the founders Drs. Jagdish and Bharati Gandhi as first teachers. Today, in its strength of nearly 55,000 students, with its name in the Guinness Book of World Records as the largest school by pupils, CMS also stands out because of its philosophy till today of its efforts to promote the universal values of education for peace and tolerance at a time when these values are increasingly being challenged. CMS has been awarded the UNESCO Prize for Peace Education in 2002, thereby becoming the world's first school recipient of this prestigious award in the award's history. Every activities of Dr. Gandhi have shown how parents and society can be involved, motivated, and molded to become partners for positive change in the lives of children. It is for this same reason that Dr. Gandhi convenes the international conferences of the chief justices of the world that aims to create a common enforceable international law to safeguard the future of the world's now 2.5 billion children and generations yet to be born. Insofar, 1,098 chief justices, judges, and heads of states from 126 countries have participated at this international conference. The world is yet again on the brink. The prospect of a nuclear confrontation between the United States and North Korea, reminiscent of the Cold War of the last century. It is at this juncture, the 18th International Conference of Chief Justices of the World on Article 51 of the Constitution of India, the World Peace Congress 2017, called by City Montessori School for the safety of world's nearly 2.5 billion children and generations yet to be born, is relevant. Ms. Justice Чарагинова, Judge Supreme Court, Kyrgyz Republic. Наилучшие интересы которого должны быть предметом основной заботы родителей. We need to ratify the Constitution for the Federation of Earth. Written by hundreds of world citizens, this is what represents God and human beings. This is what represents Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. So I urge you to study it, and I urge you to think about it. The criteria for ratification are there in Article 17. We can ratify this and become fully human, fully living under the rule of democratic law for the first time in the history of humanity. Let's not let the European imperialists continue to colonize our minds. Our primary reality is our human dignity and our human reality. We human beings need to begin governing ourselves. Thank you. I was recently reading about some countries here and there, but these ideological crises which create an unrest, they need to be studied, and this is the area where you have to work on. And Honorable Miss R.R. Nelly. To the setting up, there is effective global governance having as objective uniting the world for children through enforceable world law and effective global governance.
afternoon parallel sessions, conference room number 1, topic for discussion, unity and coexistence of religions, interfaith dialogue. Chairperson, Mr. Justice Khaled Ayari, former First President, Court of Cassation, Tunisia. Coordinator, Mrs. Roli Tripathi, CMS Gomtinagar First Campus. Speakers, Mr. Justice Kamal Kumar, Judge High Court, Fiji Islands. Ms. Justice Emelis Morel, Judge Supreme Court of Justice, Paraguay. Mr. Justice Chandi Raj Thakal, Judge Janakpur High Court, Nepal. Conference Room Number 2, topic for discussion, Limitations of International Court of Justice and International Criminal Court. Chairperson, His Excellency Mr. Stejepan Mezik, former President of the Republic of Croatia. Coordinator, Mrs. Jyotsna Atul, Headmistress, CMS Rajendranagar Second Campus. Speakers, Mr. Justice Salih Murati, Judge Constitutional Court, Republic of Macedonia. Mr. Justice Tiago Fachin, Judge Tribunal of Justice, Brazil. Conference Room Number 3, topic for discussion, creating awareness for protection of fundamental human rights, violence in and against children. Coordinator, Mrs. Trapti Dwivedi, Principal, CMS Ashrafabad Campus. Speakers, Ms. Justice Rosa Amelia, Judge, Superior Court of Lima, Peru. Ms. Justice Edith De Marin, Judge, Superior Court of Sazamarca, Peru. Ms. Justice Annabel, Judge, Court of Rio Grande, Brazil. Mr. Justice Sergio Moreno, Republic Prosecutor, Criminal Court, Argentina. Conference Room Number 4, Theme, Need for a New World Order on Democratic Lines. Chairperson, Mr. Justice Mohammad Chande Utman, former Chief Justice, Tanzania. Coordinator, Mrs. Zoya M. Khan, CMS Rajendranagar First Campus. Speakers, Ms. Justice Cynthia Mascara, Judge, National Court of Justice, Ecuador. Mr. Justice Adam Bogudu, Judge, High Court of Justice, Benin. Mr. Justice Mykola Moisuk, Judge, High Administrative Court, Ukraine. Conference Room Number 5, Theme, Ethnic and Civil Wars, Genocide by Misguided Forces. Coordinator, Mrs. Ruchi Bhuvan Joshi, Principal, CMS Indranagar Campus. Speakers, Ms. Justice Asiba Afudo, President, High Court of Justice, Benin. Mr. Justice Saw Sa Lin, Chief Justice, High Court of Kain State, Myanmar. Conference Room Number 6, topic for discussion, Effect of Global Population Growth. Chairperson, Mr. Justice Abdesalem Mehdi, First President, Court of Cassation, Tunisia. Coordinator, Mrs. Shivani Singh, Principal, CMS Aligarh Second Campus. Speakers, Ms. Justice Rosa Jacqueline Alvarez, National Judge, National Court of Justice, Ecuador. Ms. Justice Olga Ugalde, Chief Prosecutor, Supreme Court of Justice, Costa Rica. Ms. Justice Floribeth Aguero, Prosecutor, General Attorney's Office, Supreme Court of Justice, Costa Rica. Mr. Justice Prapot Klaisuban, President, Chamber of the Khon Kaen Administrative Court, Thailand. In the evening, the main auditorium was packed with CMS students, where the subject under focus was a modern tendency towards constitutionalizing animal rights in different countries. Speaker, Honorable Justice Adel Omar Sharif, Deputy Chief Justice, the Supreme Constitutional Court, Egypt. Can you please explain the role of schools in establishing the environmental justice? Well, the environment is becoming to be a culture. I mean, this is a culture aspect that we have to be brought up within that. So it started even at the house, at your home, not even at the school, that people, the parents and the people you live with would really educate you how to protect the environment. The protecting the environment would really save the resources for us and for our future generations. And the second topic, salient features of the Constitution of India, Honorable Mr. Justice Kamleshwar Nath, former Judge, Allahabad High Court, India. Central government's policy incorporated in the slogan Sabka Saath, Sabka Vikas seems to satisfy this constitutional goal. Directive principles of state policy contain two other very important features of the Constitution. Article 44 requires the state to strive for making a common civil code. Crime investigating agency doesn't bring or fails to bring a clear case in front of you. So, example, in the Arushi Bora murder case, it happened.
So, sir, how it affected the judiciary? You see, the whole problem is that if a man doesn't behave, act properly and fairly, where to go? See, I have told the government that they must ensure that they have a good and efficient investigating agency. Shikshatmak Sanskritik Karikram Evam Chintan Hetu विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।